देता है कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, और जो 100-200 रुपया दे देता है ना, कोई पूरे 20 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकलता कि चाय वाला पैसा निकाल के दिया, बाहर नहीं निकलेंगे। मुकदमा सर, SSC CGL 2019 मेंस का बता दें, आएंगे राज्य पर भी आएंगे, क्योंकि मुकदमे की फिर रिस्ट बहुत लंबी है। वीडियो वाला मुकदमा भी कर रखे हैं जो निरस्त किए हैं। कोर्ट का भी रवैया ऐसा देख के लगता है सर कि जैसे कोर्ट ने भी सरकार से आम सहमति बना ली हो, क्योंकि इतने लंबे लंबे डेट देती है ना कि जो आयोग हो और सरकार हो अपना काम करती रहे, सरकार और आयोग को कोई दिक्कत ना हो, लड़का बेचारा किराया भरते भरते। कितने लोगों को लगता है कि जो भर्ती से जुड़े हुए मुकदमे हैं उनकी डेली सुनवाई होनी चाहिए? अरे उठा रहे यार, काहे अड़का रहे यार, वो पैसे उठा रहे जी। चलिए, मुकदमा ही नहीं होना चाहिए, आदर्श स्थिति तो बिल्कुल वही होनी चाहिए। बात तो सही सर, मैं ये थोड़ा मैकेनिज्म जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं कैमरे पे, क्या मैकेनिज्म, जैसे कोई भर्ती फंस गई अब फिर कोर्ट में जाना है तो कैसे पैसा जुटाया जाता है, व्हाट्सएप पे कैसे ग्रुप बनाए जाते हैं, वो पूरा मैकेनिज्म समझाइए। तो सर जब रिजल्ट आता है तो ये अलाहाबाद है सर, बस रिजल्ट आया नहीं, अगर हम किसी हॉस्टल में आया तो पहला बम फूटते जान जाते, अरे वहां या तो बर्थडे या तो सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आने का डेट सबको पता रहता है। और डेलीगेसी में किसी का सिलेक्शन हुआ, कुछ हुआ, जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ, अपना अल्फ्रेड पार्क जिंदाबाद सभी लड़के वहां मौजूद हो जाते, बिना कहे कुछ सूचना दिए, या तो बालसन चौराहा या तो अल्फ्रेड पार्क, दोनों जगह आके बैठ जाते लोग, कोई ना कोई आएगा पीड़ित अपना भाई, आते हैं तुरंत ग्रुप बनता है, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए लिंक बन जाता है कि अभी आप कोर्ट केस करना है, फिर वकील ढूंढ जाते हैं, वकील की महंगी महंगी फीस, उसके बाद क्या भैया क्या व्यवहार बन रहा है, तो लड़कों को गिन के पैसा मिलता है, कोई 4,000 पड़ता है, कोई 5,000, कोई 6,000, एक 10x10 के रूम में रहते हैं, उसी में खाना भी बनाना, उसी में रहना, उसी में पढ़ना भी है, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, कितने एक लड़को पाएगा, तो किसी पे 200, किसी पे 500, हर पर स्टूडेंट रखते हैं हम लोग, जो लड़का 500 रुपया देता है ना, पूरे महीने तक नहीं निकलेगा रूम से, क्योंकि चाय कहाँ से पिएगा, चाय का काम खत्म हो गया। फिर तारीख पे तारीख, और वकील भी खुश, जज भी खुश, सरकार तो खुश है। आज तो लग रहा है जैसे सर, आज तो लग रहा है कि ये जो समय चल रहा है, पहले तो लड़का प्रदर्शन करेगा, धरना देगा कि वैकेंसी निकालो, फिर धरना देगा कि एग्जाम डेट दो, फिर लड़का धरना देगा कि रिजल्ट आवा कहीं नहीं दे रहे हो, रिजल्ट आवा दो, और उसके बाद रिजल्ट देते हैं, पारदर्शिता के नाम पर ऐसी होती है कि जिसको नहीं हो रहा है, जिसने फॉर्म नहीं भरा उसका भी मुख्यमंत्री के ट्विटर से ट्वीट आ जाता है कि लो भराने को, ज्वाइनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कौन कौन सी भर्तियां हैं जो रुकी हुई हैं? सबसे महिला बीत जाए अभी तो, हाँ लंबी तो है बहुत, फिलहाल जो, तो, जो बड़ी भर्तियां हैं वो बता दीजिए। फिलहाल तो जो बच्चे अभी रो रहे थे, आपको वीडियो बना के दे देता तो आप भी शायद दिल पसंद निकल जाता। यूपी ट्रिपलेसी JEE की है 2016 परीक्षा है, जो 298 पदों के लिए है, जिसमें 160 रुपया फीस लिया गया था, 50,000 लड़के भरे थे, हम तो भरा गया, उसका एग्जाम नहीं हुआ, और 298 पोस्ट के लिए SSC JEE का एग्जाम हुआ था सर, 2016 का एग्जाम नहीं हुआ, वैकेंसी निकली 2016 में, और 160 रुपया थी फीस उसकी, 50,000 लड़कों ने भरा था, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, और बेहयाई ये देखिए, फिर 2018 फिर उसी पद के लिए पोस्ट निकाल दिया गया, और इस बार 1477 पोस्ट कर दी गई, और फीस बढ़ाकर 255 रुपया कर दिया गया, मगर एग्जाम फिर इनको सिर्फ फॉर्म भरवाना है, चुनाव जब आएगा तो फॉर्म निकाल देंगे, उसके पैसे से चुनाव लड़ेंगे, ये लड़के कहाँ जाएंगे, 16 के में फॉर्म निकाले, उसका एग्जाम करवाया नहीं, क्या भांग पी के बैठे जो फिर 18 उसी को फॉर्म निकाल दिए, भांग पी के फॉर्म निकाल दिए, नशा उतरता नहीं है क्या, एग्जाम भी करवाना होता है, सिर्फ फॉर्म नहीं भरवाया जाता, 5 साल से, और ये एग्जाम नहीं करवा रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार काफी हद तक आप लोग भी हो, जो जाति धर्म के बटकर वोट दे आते हो, तो इस बार वोट उसी को देंगे जो हमारी बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो जॉब की बात करेगा, वोट उसी को देंगे सर। और कुछ एग्जाम्स हैं, हाँ, जैसे हाँ लिस्ट में है, जैसे कि सर एक धांधली जो चल रही है, जैसे कि EWS, सभी लोग वाकिफ होंगे EWS से, ये 2019 में आया है, और मंडी परिषद का एग्जाम हुआ है 2018 में, और ये जो JEE का एग्जाम नोटिफिकेशन 2016 में आया है उसमें भी, इन दोनों पर ये जो नोटिफिकेशन 2016 में आया है, एक का एग्जाम 2018 में आया है, अब उसमें संशोधन करा के, मेरे पास प्रूफ है सर, आप देख लीजिए
कि उसमें अभी ईडब्ल्यूएस लागू कर रहे हैं, जबकि भारत का संविधान कहता है अगर मैं कोई भी काम उसी समय के बने हुए कानून के हिसाब से होगा, अगर फार्म पहले आया है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो उस समय चल रहा था, अब के बने कानून नहीं। मगर सरकार से जवाब कौन मांगेगा? एक कहावत है ना, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, कहावत है सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। हमारा मन करेगा ईडब्ल्यूएस घुसेड़ देंगे, हमारा मन करेगा वैकेंसी रद्द कर देंगे।